हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम क्रंची मशरूम्स के स्नैक बनाएंगे। तो सबसे पहले मशरूम के स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम। यहाँ पे मैंने मशरूम को धो के ड्राई करके रखा हुआ है, तो अब इसको कट कर लेते हैं। याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। देखिए ऐसे पीसेस करेंगे, ऐसे एक एक करके सब सारे मशरूम को कट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बॉल में फ्लावर ले रही हूँ, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पेस्ट करेंगे। आपको याद रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए, तो इसको आपको अच्छे से फेंटना है। अब मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। तो अभी हमारा घोल बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे बॉल में ब्रेड क्रम्स लिया है, ये मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स लिया है। अब इसमें मशरूम डालेंगे और एक एक करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके रखेंगे। देखिए ऐसे ही सारे एक एक करके कोट करके रखेंगे पहले हम। अब मैंने मीडियम हीट पे ऑलरेडी यहाँ ऑयल गरम करने को रखा हुआ है, तो अब मैं इसमें एक एक करके मशरूम डालूंगी और एक एक करके सारे मशरूम को ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। मशरूम बहुत जल्दी कुक हो जाता है गाइस, तो इसीलिए आपको बहुत हल्के हाथ से इसको चला के ऐसे ही बोथ साइड कुक करना है दो दो मिनट के लिए। देखिए एक बार जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझ लीजिए ये हो गया। तो अब ये हमारा कितने आसानी से मशरूम स्नैक्स बनके तैयार है। आप इसको ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक और चिल्ली पाउडर स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा केचप।